एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पिलारी में स्थित भगतपुर मिर्जा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। लगभग 4,500 की आबादी व 1,400 वोटरों द्वारा राजेश्वर यादव को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप लगाए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, 11 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स, रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स, रोड, खड़ंजे, शमशान घाट, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 450 इज्जत घरों के निर्माण राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं सतपाल सिंह भगतपुर मिर्जा से बोल रहा हूँ। ये रास्ता पहले खराब थी, अब जो हमारे प्रधान जी ने इसको दुरुस्त अच्छी करवा दिया, इससे हम निकलने लट रहे हैं। पहले निकलने की बहुत अधिक समस्या थी। हाँ, अभी आधा का कार्य हुआ है, पूरा कार्य जब होगा तब पैसा मिल जाएगा। जब मैं ग्राम प्रधान भगतपुर मिर्जा का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राजेश्वर है और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारा विकास बहुत पीछे चल गया, इसकी सुनवाई करी जाए। नहीं तो हमारे गांव में शमशान भूमि, नहीं कोई स्कूल ढंग का है, नहीं अस्पताल है, नहीं कोई पंचायत घर है और कोई भी हमारे यहाँ कोई विकास बढ़िया हुआ नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ सड़क का निर्माण भी कम हो रहा है, धनराशि भी कम आ रही है और नल की बहुत समस्या हो रही है। तीन बोर हमने 4 करवाए हैं, जो ख़राब थे वो संभलवा दिए। राज्य सरकार से ये है कि बढ़िया से बढ़िया हमारा विकास हो जाए, जिससे कि सरकार की भी तारीफ हो, प्रधान की भी तारीफ हो। हमारा बहुत ढीला काम होगा, विकास कम होगा तो सरकार की बेइज्जती है इसमें और हमारी बेइज्जती है। हर आदमी को हमारे गांव में कम से कम पात्र लोग 3 गांव में 150 आवास चाहिए, कम से कम 150 आवास में 3 आवास मिलने मत हैं। और पेंशन ना विधवा की आ रही है, ना 60 साल आ रही है, ना विकलांग की आ रही है, किसी की भी कोई पेंशन नहीं आ रही है। बुजुर्ग आदमी हमसे शिकायत करते हैं, प्रधान जी पेंशन नहीं बनवाते, जब सरकार नहीं देती है तो पेंशन कहाँ से दिलवाना।